सत्संग जी, प्यार से बोलना, धन अहंकार जी, संत जनों, महापुरुषों, आजकल हम देख रहे हैं संसार किस दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय उन संतों महात्माओं की भावनाओं को भी समझ रही है जो रोज सुबह शाम संगत में जाकर इस आत्मा की खुराक को ले रहे थे। उनके लिए ये समय थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें समय समय पर सतगुरु के आशीर्वाद तो मिल रहे हैं कि किस तरह से इस समय को बिताना है, मर्यादा में रहकर, धीरज में रहकर, संयम में रहकर। फिर भी संत महात्माओं का दिल करता है कि हम संतों के वचन सुने, वचन विलास करें। और ऐसा देखने में आया है, कहीं से सूचनाएं मिली हैं कि संतों ने ऑनलाइन संगत शुरू की है। दासी हाथ जोड़कर विनती करती है आप जी के चरणों में कि संगत तो हमने करनी है, संतों के वचन सुनने हैं, लेकिन संगत की मर्यादा का ध्यान रखना है। संगत में तो प्रॉपर स्टेज लगी होती है, संत महापुरुष दुपट्टा डालकर स्टेज पे बैठते हैं, मंगलाचरण होता है, विचार होती है, धुनि होती है, वो संगत का फॉर्मल रूप है। लेकिन हमने जो अब संतों के साथ मिलके वचन विलास करने हैं, उसको संगत का रूप नहीं देना। वो हमने आपस में मिल बैठ के, चाहे वो वीडियो कॉल द्वारा, चाहे ऑडियो कॉल द्वारा, चाहे व्हाट्सएप पर, एक दूसरे के साथ बैठ के वचन सुनने हैं, गीत सुनने सुनाने हैं, गुरु चर्चा करनी है, गुरु की शिक्षाओं को दोहराना है, ताकि वो हमारे मन में बसें और हम उन पर चल के अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और ख़ास बात इसी ध्यान का रखना है कि इनको फॉर्मल संगत का रूप हमने बिल्कुल नहीं देना। संगत की अपनी मर्यादा है, वो अपने ढंग से होती है। ये हमने सिर्फ वचन विलास करने हैं और एक दूसरे के वचनों को सुनना है और जीवन में आनंद लेना है। इसी के साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि कुछ महात्माओं ने सिमरन का कोई फिक्स टाइम किया है और ऐसा कहा है कि समूहक रूप में मिल करके इतने बजे से इतने बजे तक सिमरन करना है। महापुरुषों, ये हमारे मिशन की सिखलाई नहीं है। हमने तो हर पल इस परमपिता परमात्मा को याद करना है। कोई फिक्स समय नहीं है, इसका एहसास हर समय करना है। जैसे शहंशाह जी कहते हैं, तू ही निरंकार करो ते हर पल इनू याद करो, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। हर पल इस परमपिता परमात्मा का एहसास मन में है तो हमारा सिमरन हो रहा है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी ने अपने विचारों में कहा कि अगर हम मुंह से तो बोल रहे हैं तू ही निरंकार, और इसका एहसास साथ में नहीं जुड़ा हुआ, तो ये महज लफ्ज होंगे। और अगर हम मुंह से नहीं बोल रहे और हर पल इसका एहसास है, तो हमारा सिमरन हो रहा है। और कुछ महापुरुष ये भी सवाल करते हैं कि सिमरन करते आंखें बंद करनी है या खोल कर करना है।
तो सत्संग जब हम सिमरन करते हैं आनंद की अवस्था में, कई बार अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंखें खोल कर करना है या बंद करके करना है, इसका एहसास तो हर पल करना है। ये परमपिता परमात्मा जो सुखों का साधन है कहते सिमर 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 सुख पाओ। और इसी के साथ ही एक और बहुत ही ध्यान योग्य बात है, जो वो है कि आजकल ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आ रहे हैं, और हम सब ने सबसे पहले ये देखना है कि ये मैसेज कहाँ से आया है। अगर वो मंडल की तरफ से आया है तो वो मैसेज माननीय है, उसको हम पढ़ें और उसको औरों को भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैसेज किसी और द्वारा, किसी के अपने मन के भाव हैं, ऐसा कोई मैसेज आया है तो उसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज करना है और बिल्कुल आगे फॉरवर्ड नहीं करना। और ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी डायरेक्शंस हैं, भारत के लिए और विदेशों की सभी ब्रांचेस में लागू होंगी, सब ने इसका पालन करना है। और दासी अंत में सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, आओ हम सब मिल करके ये अरदास करें कि माता जी रहमत करो, ये दुनिया के हालात जल्दी जल्दी ठीक होएं और सब महापुरुषों को फिर उसी तरह से संगत मिले, सेवा मिले, और हर पल हर संत इस नंकार के एहसास में जिए। इस समय जो सबसे बड़ा हमारा सहारा है वो सतगुरु है, निरंकार है। कहते हैं गुरु निरंकार नालों उच्ची कोई था नहीं, एदे नालों ताकतवर होर कोई बा नहीं। ये सबसे बड़ा सहारा, ये सबसे बड़ा हमारा रक्षक कौन है जो ए दी रजा बिन मारे, इस दे हुकम नाल कम होन सारे। हमने बिल्कुल भी किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि पूरे गुरु का हाथ हमारे सर पर है। ते मुख जिस दा भी सतगुर दे वाले, ओदा अज भी सुखी ते सुखी कल है। दुनिया के हालात तो बदलते रहते हैं, कहते हैं आज कुछ है ते कल कुछ है, नक्शा संसार दा हर वेले कर दे रही है सिमरन अंकार दा धन अंकार। तो मैसेज था इतना ही खूबसूरत, हर एक से हमने लिया कि कैसे हम जो सेवा करते हैं तो मन का भाव क्या होना चाहिए, और सेवा के पीछे अगर सिर्फ ये शरीर ही है वो, पर मन जुड़ा नहीं है सेवा से, तो वो सेवा हमको उस तरह प्रफुल्लित नहीं कर पाएगी। तो कैसे ये तन मन धन की सेवा की जहाँ बात आती है, वहाँ सेवा हमको अपने योगदान में पूरी देनी है। कैसे ये सेवा का सिर्फ इस रैली तक ही कनेक्शन नहीं है, ये तो मैदानों में अभी कितनी ही अनेक स्थानों पे, चाहे वो टॉयलेट्स हो, लंगर हो, पब्लिकेशन हो, ट्रैफिक हो, अन्य कितने ऐसे और स्थानों जहाँ ये तन मन धर से अर्पित सेवा सभी के लिए, मानवता के लिए परवान हो। सत संगत जी, धन अंकार जी।